हेलो एवरीवन, एक इम्पॉर्टेंट नोटिस आया है एबीपीएस की तरफ से रिगार्डिंग एबीपीएस कलर 2021 अब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। एबीपीएस ने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टॉप कर दिया है फिल करना, मतलब आप फिल अप नहीं कर सकते हैं। जो भी आगे नोटिस होगा रिगार्डिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में एबीपीएस अपने वेबसाइट पे जो कि है www.ibps.in अपडेट कर देगा। तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही फिलहाल में आप सुने थे कि रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम के चलते आईबीपीएस ने एक कमेटी का गठन किया है, सॉरी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक कमेटी का गठन किया है, जो कमेटी 15 दिन में फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सौंपेगी और वो फाइनेंस मिनिस्ट्री आईबीपीएस को बताएगी कि आपको रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम करवाना है या नहीं करवाना है या किस तरीके से करवाना है। जो 22 रीजनल लैंग्वेज वाली बात है उस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आईबीपीएस आरआरबी का भी पीओ एंड क्लर्क का भी रीजनल लैंग्वेज में होता है, उसी तरह से हो सकता है कि आईबीपीएस क्लर्क भी रीजनल लैंग्वेज में अपना एग्जाम कंडक्ट करवाएं। तो इसके घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अपना प्रिपरेशन पूरा रखना है, क्योंकि आरआरबी का पेपर आ रहा है, एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर आ रहा है नेक्स्ट मंथ में। तो ऑल द बेस्ट आपको, और जो भी आगे की नोटिस आएगी हम आपको अपडेट कर देंगे। थैंक यू।